हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फैक्ट्स में। और जो हम बात करने वाले हैं अपने नए सीरीज स्पेस वर्ल्ड में अपने प्लैनेट अर्थ के बारे में, और साथ ही में जानेंगे अपने प्लैनेट अर्थ के बारे में 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट जो शायद ही आपको पता हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का एक प्लेनेट है और हर एक प्लेनेट अपने सोलर सिस्टम के सन का चक्कर लगाता है, वैसे ही हमारी अर्थ हमारे सन का चक्कर लगाती है। और आज हम बात करने वाले हैं अपने अर्थ के 10 अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक पे आता है अर्थ का इंट्रो। अर्थ का सरफेस एरिया 5100720000 किलोमीटर स्क्वायर, जिसमें 1489400000 किलोमीटर स्क्वायर पानी के ऊपर है और 3611320000 किलोमीटर स्क्वायर पानी के अंदर है। इसका वॉल्यूम 1.08321×10^21 किलोमीटर क्यूब है और वहीं इसका मास 5.97237×10^24 किलोग्राम है। अर्थ के पास अपना एक प्राकृतिक उपग्रह है यानी नेचुरल सैटेलाइट जिसका नाम मून है, और इसके अलावा अर्थ के पास 1800 ऑपरेशनल आर्टिफिशियल सैटेलाइट मौजूद हैं और यह अपने ऑर्बिटल में 29.78 किलोमीटर पर सेकंड यानी 107200 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है। हमारे इस पूरे प्लेनेट पे 78.08% नाइट्रोजन, 20.95% ऑक्सीजन, 0.934% आर्गन, 0.0408% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। हमारा सोलर सिस्टम लगभग 4.56 बिलियन ईयर्स पहले बना था और हमारी अर्थ भी लगभग 4.54 बिलियन ईयर्स पहले फॉर्म्ड हुई थी, यानी हमारे पूरे अर्थ की एज 4.54 बिलियन ईयर्स है। नंबर दो पे है टेम्परेचर। वैसे तो हमारी अर्थ का नॉर्मल टेम्परेचर 22-28 डिग्री सेल्सियस है, पर कभी ये टेम्परेचर इतना ज़्यादा तथा इतना कम हो जाता है कि जिस टेम्परेचर में सर्वाइव करना नामुमकिन सा लगने लगता है। अब बात करते हैं अपने अर्थ के सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर के बारे में, तो वो इल अजीजिया लीबिया का 58 डिग्री सेल्सियस है, जिसे 13 सितंबर 2013 में रिकॉर्ड किया गया था। इसके पहले का रिकॉर्ड डेथ वैली कैलिफोर्निया अमेरिका का है, जो कि 56.7 डिग्री सेल्सियस का था और इसे 10 जुलाई 1913 को रिकॉर्ड किया गया था। अब वहीं बात करें अपने अर्थ के सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर के बारे में, तो वह है -89.2 डिग्री सेल्सियस, जो कि सोवियत वोस्टोक स्टेशन अंटार्कटिका में 21 जुलाई 1983 में रिकॉर्ड किया गया था। नंबर थर्ड पे है मिस्टीरियस कोर। क्या आपको पता है कि अर्थ के कोर का टेम्परेचर और सूर्य के सरफेस टेम्परेचर लगभग बराबर ही है, जहां सूर्य का सरफेस टेम्परेचर 5700 डिग्री सेल्सियस यानी 5700 डिग्री सेल्सियस है, वहीं अर्थ के कोर का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस यानी 6000 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। और जैसे कि हम सबको पता है कि हमारा सन एक स्टार है और हर एक स्टार हाइड्रोजन का बना होता है और उसके अंदर निरंतर हाइड्रोजन हीलियम में बदलती रहती है, उसी तरह हमारे सन में 60 करोड़ मीट्रिक टन हाइड्रोजन 59.5 करोड़ मीट्रिक टन हीलियम में हर एक सेकंड बदल जाती है और बाकी बची 50 लाख मीट्रिक टन हाइड्रोजन वो ऊर्जा के रूप में बाहर निकलती है। हमारे अर्थ का कोर एक मेटेलिक कोर है, जो कि अलग अलग कैटेगरी वाले मेटल का मेल्ड फॉर्म हो सकता है। अब फोर्थ में है कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप। जहाँ बात आती है कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप की, तो बताया जाता है कि हमारे इस पूरे अर्थ पे 7 कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप स्थित है। पर क्या आपको पता है कि 6 करोड़ साल पहले दुनिया के सभी कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे, यानी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही महाद्वीप हुआ करता था। पर पावरफुल ज्वालामुखी तथा अधिक तीव्रता वाले भूकंपों की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्सों में खिसकाव होने लगा और वो धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होते गए और आज पूरे इस दुनिया में 7 महाद्वीप हैं यानी कॉन्टिनेंट्स हैं। क्या आपको पता है कि न्यूजीलैंड नामक देश का 79% भाग पानी में डूबा हुआ है, जिसे हम जीलैंडिया कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। अगर वो आज पानी के ऊपर होता तो वो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप होता। नंबर 5 पे आता है अर्थ की पॉपुलेशन। आपको बता दें कि अर्थ की पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन दोगुनी स्पीड से बढ़ रही है, जहां 1979 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 3.2 बिलियन, वहीं आज 2019 में अर्थ की पॉपुलेशन 7.58 बिलियन है, यानी दोगुने से भी ज़्यादा। पॉपुलेशन में तो चाइना दुनिया में सबसे आगे है, पर इंडिया अभी सेकंड पोजीशन पे है। एक सर्वे के अनुसार माने तो इंडिया की पॉपुलेशन जिस स्पीड से बढ़ रही है, अगर उसी स्पीड से बढ़ती रही तो 2030 तक चाइना को भी पीछे छोड़ देगी। नंबर 6 पे आता है एस्ट्रॉइड्स।
एस्ट्रॉइड्स यानी उल्कापिंड्स जो पृथ्वी के स्पेस एरिया में घूमते रहते हैं वो कई बार पृथ्वी पर अटैक भी कर देते हैं। अगर एक सर्वे के अनुसार माने तो पूरी पृथ्वी पर एक दिन में कम से कम 4000 एस्ट्रॉइड अटैक्स होते हैं, जिनमें से पृथ्वी की सरफेस तक कम से कम एक या दो ही एस्ट्रॉइड्स पहुंच पाते हैं, वो भी आकार में बहुत छोटे होते हैं। असल में एस्ट्रॉइड्स का आकार कोई निश्चित नहीं होता, वह 100 मीटर 150 मीटर लगभग 50 मीटर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर लोड 3 किलोमीटर यानी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट 10 किलोमीटर के हो सकते हैं। जब कोई भी एस्ट्रॉइड पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है तो वो घर्षण की वजह से प्रकाश उत्पन्न करता है, जिसे हम चल की भाषा में टूटता हुआ तारा कहते हैं। असल में वह कोई तारा नहीं बल्कि एक एस्ट्रॉइड होता है जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर जाता है। एस्ट्रॉइड से गिरने से पृथ्वी पर कई बार तबाही मच चुकी है, जैसे कि एलेक्सपिंस नामक रसिया की जगह पे लगभग 2013 में एक एस्ट्रॉइड गिरा था, जिसकी वजह से 1500 आदमी घायल हो गए थे और 7000 से ज़्यादा घर डिस्ट्रॉय हो गए थे। उसी तरह की एक घटना 1908 में साइबेरिया में हुई थी। पर क्या आपको पता है कि करीब 10 किलोमीटर डायमीटर वाला एस्ट्रॉइड पृथ्वी से 6 करोड़ साल पहले टकराया था, जिसने पूरे पृथ्वी के 75% जीवों को नष्ट कर दिया था, जिनमें डायनासोर्स भी शामिल थे। अगर हमारे अर्थ के पास अपना एटमॉस्फेरिक सिस्टम ना होता तो आज पूरी अर्थ मून में बदल जाती। नंबर 7 पे डीपेस्ट एरिया ऑन द अर्थ। आपको ये तो पता होगा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई दुनिया में सबसे ज़्यादा है, पर क्या आपको पता है कि इस पूरी अर्थ पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि जो पूरे माउंट एवरेस्ट को अपने अंदर समा सकते हैं। अगर बात करें कि अर्थ के सबसे डीपेस्ट पॉइंट के बारे में, यदि पानी के अंदर बात करें तो सबसे डीपेस्ट एरिया पैसिफिक ओशन के मैरियाना ट्रंच का चैलेंजर डीप है, जिसकी पूरी गहराई लगभग 10,994 मीटर है, जो कि लगभग 11 किलोमीटर का है। और अगर बात करें मनुष्यों द्वारा बनाए गए सबसे बड़े होल तो वह है कोला सुपर डीप बेयर होल, जो कि रशिया में स्थित है, जिसकी गहराई कुल 12,262 मीटर है, यानी 12 किलोमीटर का गड्ढा। यह दुनिया का मनुष्य द्वारा बनाया गया सबसे गहरा गड्ढा है। नंबर 8 पे है पॉल्यूशन ऑन अर्थ। आपको बता दें कि हम पृथ्वीवासी अपने अर्थ पे तो पॉल्यूशन फैलाते ही हैं, साथ ही साथ अपने स्पेस में ही पॉल्यूशन फैला रहे हैं। हजारों खराब और आउट ऑफ डेट सैटेलाइट्स पृथ्वी के ऑर्बिट में घूम रही हैं। और अगर बात करें सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाने वाली कंट्रीज की तो हम उस लिस्ट में 3rd नंबर पे हैं। हम पूरी दुनिया का 5.27% पॉल्यूशन फैलाते हैं। और वहीं 2nd पे है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो कि पूरी दुनिया का 17% पॉल्यूशन फैलाता है। और वहीं 1st पे है चाइना, जो पूरी दुनिया का 25.2% पॉल्यूशन फैलाता है। हमारे इंडिया का न्यू दिल्ली, कानपुर और कई सारी ऐसी सिटीज़ हैं जो टॉप 10 में आती हैं पॉल्यूशन फैलाने में। ऐसा कहा जाता है कि स्पेस से चीन की दीवार साफ दिखाई देती है, पर चीन की दीवार दिखाई दे या ना दिखाई दे पर उसका पॉल्यूशन साफ दिखाई देता है। आपको बता दें कि चीन की राजधानी बीजिंग में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है कि वहाँ पर अगर आप एक दिन में सांस लेते हैं तो 21 सिगरेट पीने के बराबर होंगे। और चीन की राजधानी बीजिंग में ही वहाँ की सरकार फ्री में प्योर ऑक्सीजन मुहैया करवाती है वहाँ के लोगों के लिए। नंबर 9th पे है टाइमिंग ऑफ अर्थ। जैसे कि हमको पता है कि अपनी अर्थ 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अपने ऑर्बिट में घूमती है, पर क्या आपको पता है कि इसकी रोटेशनल स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है? हाँ, यह असल में यह हमारे मून के कारण हो रहा है। जब पृथ्वी नई नई थी यानी 4.54 बिलियन ईयर्स पहले, तब मून भी नया नया हुआ करता था, जिससे अर्थ का एक दिन लगभग 6 घंटे का हुआ करता था। और धीरे धीरे हमारा मून पृथ्वी से दूर होते चला गया और एक दिन आज 24 आवर्स का होता है। पर आप सोच रहे होंगे कि यह एक दिन 24 आवर्स का होता है, बट ऐसा नहीं है, बल्कि हमारा एक दिन 23 घंटे 4 मिनट 56 सेकंड का होता है। इस टाइम सिस्टम के मुकाबले माउंट एवरेस्ट पर एक दिन 1 माइक्रोसेकंड छोटा होता है। नंबर 10 पे है मिस्टीरियस मून। क्या आपको पता है कि चांद सूर्य से 400 गुना छोटा है, और वहीं सूर्य के मुकाबले चांद पृथ्वी से 400 गुना नज़दीक है, और इसका सरफेस एरिया 3475 किलोमीटर है। मून हमारे अर्थ का 1 राउंड 27.3 डेज में लगा देता है, और 27.3 डेज ही उसका एक रोटेशनल टाइम है। अर्थ से मून का डिस्टेंस 384400 किलोमीटर है, इसी कारण से हम चांद का 41% नहीं देख पाते हैं। इन सभी फैक्टर्स के कारण ही हम एक एग्जैक्ट सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण देख पाते हैं। चांद पर किया गया दुनिया का सबसे पहला मिशन नासा का अपोलो 11 था, जो 20 जुलाई 1969 में किया गया था। इस मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा गया था।
जिनमें नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस थे। हमारा चांद हमारी पृथ्वी से लगातार दूर होता जा रहा है। उसके दूर होने की स्पीड लगभग 3.8 सेंटीमीटर पर ईयर की है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो।